कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली विवाहिता अपने पति के साथ पूरे मामले की शिकायत लेकर जिला स्तरीय समाधान दिवस पर सदर तहसील पहुंची, जहां एसपी अपर्णा गुप्ता को दिए प्रार्थना पत्र में उसने आप बीती बताई है। पीड़िता बताती है कि वो महेवा गांव की रहने वाली है और अपने पति के साथ हरियाणा के पलवल में मजदूरी का काम करती है। पीड़िता का आरोप है कि उसी के गांव में रहने वाले दो युवक की पीड़िता का आरोप है कि उसी के गांव के रहने वाले दो व्यक्ति राघवेंद्र और पंचम उसी के पड़ोस में निवास करते हैं। उसके पति के काम पर चले जाने पर उक्त दबंग अलग अलग मोबाइल नंबर से अक्सर उसे फोन कर अश्लील बातें करते हैं, उसे छेड़खानी करते हैं। पीड़िता ने अपने पति से भी दबंगों की हरकत बताई। पीड़िता बताती है बीते रोज वो अपने गृह जनपद महोबा अपने गाँव महेवा आ गई, जहाँ आरोपियों के घर में जाकर फोन पर की जा रही अश्लीलता और छेड़खानी का उलाहना उनके परिजनों से दिया तो आरोप है कि गांव लौट के आए दोनों आरोपियों ने पीड़िता के घर पहुंचकर उससे गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता और उसके पति को यह धमकी दी गई है। पीड़िता बताती है कि उक्त मामले की उसने शिकायत जैतपुर चौकी पुलिस से भी की, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उक्त मामले में पति पत्नी को ही देर रात तक चौकी में बैठाए रखा, डरा धमका कर शिकायती पत्र को फाड़ दिया और दूसरा शिकायती पत्र लिखवा कर उसमें हस्ताक्षर करा लिए, जिस पर पीड़िता ने कुलपहाड़ सीओ से भी शिकायत की। इस मामले में आरोप है कि चौकी प्रभारी द्वारा पीड़िता पर जबरन रुपए लेकर राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता बताती है कि उसे 50,000 रुपए का प्रलोभन देकर जबरन राजीनामा करने के लिए चौकी प्रभारी ने दबाव डाला है और राजीनामा न करने पर धमकी दे रहे हैं। चौकी प्रभारी पर पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उक्त मामले में न्याय की मांग लेकर पीड़िता पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची है। जनपद स्तरीय समाधान दिवस में मौजूद एसपी अपर्णा गुप्ता को दिए प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने दोनों दबंग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चौकी प्रभारी पर भी जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। जबकि इस मामले को लेकर प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि महिला के आरोप बेबुनियाद हैं। पीड़िता ने जो शिकायत की है वो हरियाणा के पलवल से संबंधित है। शिकायत के आधार पर जांच करने के बाद भी चौकी प्रभारी ने कही है। साथ हम पलवल में रहते थे पति पत्नी दोनों, और वहाँ पे हमारे गांव के लोग भी रहते थे दो, उसका नाम है राघवेंद्र और पंचम। उसने राघवेंद्र ने रात को 12 बजे 3-4 बार कॉल की और हमने कॉल रिसीव नहीं की, और सुबह 5 बजे भी उसने कॉल करी। कॉल करने के बाद मैंने कॉल उठाई और कॉल उठाने के बाद मतलब ऐसी उल्टी सीधी बातें करने लगा। बातें करने के बाद फिर मेरे पति आए नाइट की ड्यूटी करके, मैंने उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, और बस उनने हम दोनों को डराया धमकाया और हम लोग गांव चले आए। सीधे गांव चले आए तो गांव में मतलब उन लोगों को बताया, सबको बताने के बाद उन्होंने डराया धमकाया और गाली गलौज भी करी। गाली गलौज करने के बाद मतलब कह रहे हम तुम्हें जान से मार देंगे, और हम लोग मतलब चौकी गए। चौकी में पुलिस वालों ने भी मतलब यही कहा कि आप मतलब राजीनामा कर लो और 50,000 रुपये ले लो, और मतलब रात के 12 बजे तक बैठा रहे थाने में, और मतलब कोई उनने कुछ भी रिएक्शन नहीं लिया। आपने जो शिकायत दी थी उस पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आज कहाँ आई हैं? आज हम महोबा आए हैं।